हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बारिश का मौसम है तो हम चाय के साथ कुछ बनाना चाहें तो कुछ भी ना रहे घर में, तो हमें आलू तो हर किसी के घर में होगा, तो हम आलू और ब्रेड से बनाते हैं ये नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आलू लिया है, एक प्याज कट कर लिए, दो मिर्च ले लिया है। तो तीखा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ब्रेड भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ही बनाना था तो मैंने तीन ब्रेड लिया, उसको इस तरीके से तीन स्लाइसेस में कट कर लिया। उसके बाद तीनों स्लाइसेस को सेम उसी तरीके से मैंने इधर से भी तीन फोल्ड कर दिया। तो इस तरीके से ढेर सारे पीसेस मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद इसे थोड़े से सरसों के तेल में मैं फ्राई करूंगी। आप चाहे तो घी वगैरह जो तेल आप यूज करते हो वो तेल ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि इसे फ्राई करने के बाद आप टिश्यू पेपर पे रखें, क्योंकि ये बहुत सारे तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो तब तक आप इसे फ्राई कर लें, क्योंकि जब यह पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो इसका तेल थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो बचे हुए तेल होते हैं वो हम टिश्यू पेपर पे रख लेंगे, वो अपने आप सोख लेंगे। तो उसके बाद वही तेल जो बचा हुआ है उसी में हम थोड़ी सी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च हल्का सा ही ब्राउन होगी तो उसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद आपको प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बट इस तरीके से चलाते हुए एक दो बार चला लें। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करने के लिए आपको मसाले, आपके जो मसाले आप यूज करते हैं घर में वही मसाले ले सकते हैं। तो मैंने थोड़े से गरम मसाले, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च ली, मतलब एक चम्मच का तिहाई भाग मैंने लिया है। फिर तीन आलू मैंने कट कर लिए थे, बड़े स्लाइसेस के थे, बड़े बड़े पीसेस के आलू थे, तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे। उसके बाद मैंने क्या किया है, 2 मिनट के लिए इसे ढक दिया ताकि आलू हमारे अंदर तक पक जाएं। जब आलू हमारे अंदर तक पक जाएंगे तो इस तरीके से हमें चलाते हुए इसे पकाना है। जब थोड़े से ही गोल्डन ब्राउन आलू आपके दिखने लगे तो आप इसमें थोड़े से केचप वगैरह डाल दें। अगर आपके पास टमाटो सॉस है तो इस तरीके से टमाटो सॉस डालें, उसके बाद रेड चिल्ली सॉस डालें। इसको डाल के थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करने के बाद आपके पास मैगी मसाला हो तो इस तरीके से मैजिक मसाले डाल दें। यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि शाम का समय हो या फिर सुबह का समय हो, किसी को भी चाय पिलानी हो तो नमकीन ना हो घर में, तो ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगी आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को। तो बट मेरे घर में तो सभी लोगों को पसंद आई, बट आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसे बनाना बिल्कुल भी आसान, बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी होने वाला ये नाश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बट किसी को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में कम चीज़ों से बनने वाला ये नाश्ता बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। तो आलू की रेसिपी तो हर घर वालों के बच्चे पसंद करते हैं, तो चलिए बच्चों के लिए ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।